गाइस, आज हम बनाने वाले हैं हार्ट शेप एग पोच। और जिसको आपने पिक्चर में अभी देखा वो मेरी एंजल है और उसी को ये एग पोच खाना है। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। वैसे ये बच्चों को पसंद नहीं आती है लेकिन फिर भी हमारी एंजल को बहुत पसंद आती है। ये हो गया हमारा हार्ट शेप ब्रेड। अभी हम इसमें डालेंगे एक होल एग। अभी हम ऊपर से उसमें सॉल्ट डालेंगे थोड़ा। ये देखिए हार्ट शेप एक पोच, एंजल का फेवरेट। इसमें हमने सिर्फ सॉल्ट मिलाया है और कुछ नहीं मिलाया है, तो पता नहीं इसको पसंद कैसे आता है। मुझे तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो खाएगी तो मैं वो भी दिखाऊंगी इसको पसंद कैसे आता है। अभी से बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है ना, इसलिए कच्चा अंडा खाती हूँ। अभी हमने ये दूसरी साइड पलट दी है। अरे पीछे से जैसे ही फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा तो हम निकाल लेंगे। वैसे बच्चे ऐसा खाते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हमारे जैसे भी नहीं खा सकते। हमारी एंजल एक पोच तोड़ने वाली है, उसको पता नहीं है अंदर होल एग है, येलो कलर का जैसे मक्खन होता है। ये निकाल दिया एंजल ने, उसका कवर ऊपर का। अब पता नहीं इसका रिएक्शन क्या होगा। कैसा लगा एंजल? अभी पता नहीं एंजल किस तरह से खाएगी। ऐसे नहीं खाना है नहीं तो। ये जिद हमारी एंजल की थी कि मुझे एक पोच खाना है, अब वो खा रही है। चलो डुबा के देखते हैं। आपको पता नहीं है सूख गया है। वो मक्खन की तरह हो गया है। लो जल्दी आप चक्कर बजाओगे। ये चैलेंज है, अच्छा नहीं लगे फिर भी खाना पड़ेगा। एंजल का रिएक्शन काफी स्वीट है, एंजल को बहुत पसंद आ रहा है। पहले तो मना कर रही थी, अभी लेकिन अच्छा लग रहा है उसको। सिर्फ ऐसे सिर्फ यही खाऊंगी ना तो इतना अच्छा नहीं लगेगा जैसे कि। अभी लिख कर रही है। सिर्फ ये खाऊंगी ना तो अच्छा नहीं लगता, बाकी ये डुबा के खाऊंगी ना तो बड़ा अच्छा लगेगा। आपको अच्छी अच्छा लगेगा, आप ट्राई करना चाहोगे? वैसे हमारी एंजल एक तो येलो पार्ट कभी खाती नहीं है, लेकिन एक पोच बनाते हैं ना तो एंजल को येलो पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आता है। एक पोच को पसंद आता है, बाकी उसको ऑमलेट अच्छा नहीं लगता है, बॉयल एग अच्छा नहीं लगता है। और बॉयल एग भी खाएगी तो व्हाइट पार्ट ही खाएगी, येलो पार्ट खाती नहीं है। उसको एक पोच बना के देते हैं तो वो व्हाइट पार्ट छोड़ के येलो पार्ट मस्त खा लेती है। क्योंकि इसमें